आजकल कोरोना बीमारी की दूसरी लहर चल रही है और रोज ही बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं। भारत में रोज 4 लाख के करीब नए मामले सामने आते हैं और हजारों लोगों की मौत वाकई हो रही है। हालांकि मौत का वक्त तो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है और हालात के मुताबिक बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स का कहना है और माहिरीन का कहना है कि ये लहर अभी और तेज़ी अख्तियार करेगी और इसमें और भी ज़्यादा तबाही आ सकती है। इसी वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि इन हालात में बहुत ज़्यादा एहतियात करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलें। क्योंकि रमज़ान शरीफ में हम सब लोगों ने इबादत की, लेकिन घरों में रहकर इबादत की। और पिछले साल आपको याद होगा कि लॉकडाउन था और ईद की नमाज भी सबने घरों में ही अदा की थी। लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि इन हालात में चूँकि उजर मौजूद है और बीमारी का डर मौजूद है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि ईद वाले दिन भी मस्जिदों की तरफ ना आए बल्कि घरों में ही इबादत करें। हमारी शरीयत में इसकी इजाज़त मौजूद है। जो लोग मस्जिद में ईद की नमाज अदा न कर सकें, वो ईद के दिन सुबह के वक्त 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें, फिर तकबीर पढ़ें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द और अल्लाह ताला से दुआ करें, सदका फितर अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें। ख़ासकर जो लोग कोरोना बीमारी में मुब्तला हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, दिल खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करने की ज़रूरत है। इस्लामी शरीयत में हर चीज़ की इजाज़त है, लिहाजा मैं फिर यही अपील करूँगा कि एहतियात से काम लें, इस बीमारी के लिए कोई भी खतरा मोल न लें और घरों में ही रहकर इबादत करें।